ओम श्री हनुमते नमः। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे सितंबर राशिफल के बारे में, यानी माह सितंबर 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभ शुभ प्रभाव घटित होंगे। मित्रों एक नजर ग्रह गोचर प्रणाली लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके कन्या राशि में रहेंगे, बुध आपके सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, गुरु आपके मेष राशि में रहेंगे, शुक्र आपके सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, शनि आपके कुंभ में रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और राहु मेष में केतु तुला राशि में। इस माह में 17 सितंबर तक बुध आदित्य योग भी बनेगा और 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मंगल सूर्य अंगारक दोष भी बनेगा, तो इसकी भी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्र राशि नहीं मालूम है परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर रहे हैं आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। पूरी जानकारी देंगे आपको क्रम से, आपका स्वास्थ्य आपकी हेल्थ आपका फैमिली फाइनेंस इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफ आपकी घर की लाइफ आपका संतान सुख विद्या एजुकेशन तरक्की उन्नति शत्रु ऋण और रोग की स्थिति आपका दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध लंबी दूरी की विदेशों की यात्राएं तरक्की उन्नति करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। कट टू कट बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहें मित्रों। अंत में थोड़े छोटे छोटे महत्वपूर्ण उपाय आपको बताते हैं जिसको श्रद्धापूर्वक करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर सितंबर का राशिफल कैसा रहने वाला है, यानी माह सितंबर कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातक। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर यहाँ के लॉर्ड जो शुक्र है आपके 11th हाउस में संचार कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है शुभ स्थिति है, शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली इच्छा शक्ति विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, थोड़ा तो आप रोमांस के मूड में भी रहेंगे, तो यहाँ पर धैर्य और संयम रखते हुए तो जो निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा हेल्थ के प्रति थोड़े से सजग रहें। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, परिवार में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद क्रिएट हो सकता है या कोई लड़ाई झगड़ा कोई मतभेद डिफरेंसेस, लेकिन अगर इस किस्म की स्थिति उत्पन्न हो तो मेरी आपको ऐसी सलाह है कि आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें और किसी क्रोध उत्तेजना से बचें, नहीं तो आपका आपके परिवार के बीच में आपका माहौल खराब हो सकता है, स्थिति खराब हो सकती है जिससे आगामी आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। भविष्य के लिए फिलहाल कोई निवेश मत करें, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है या परिवार वालों के पीछे कोई आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर पैसे का नुकसान हो सकता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो भी निगेटिव थॉट्स चल रही थी पॉजिटिव थॉट्स में चेंज होंगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रेनिंग करते हैं तो आप ट्रेवलिंग करते हैं वहां से लाभ गेन करेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे, छोटे भाई बहन मित्र वर्ग सहकर्मी पड़ोसी वेल विशर मिलने जुलने वाले लोग आपके प्रिय बंधु उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे आप लाभ गेन करेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, नहीं तो आप किसी वाद विवाद की स्थिति में फंस सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई व्यवधान कोई परेशानी आपके सामने खड़ी हो सकती है। अगर पहले से ही आपने प्लान किया हुआ है आप किसी मकान में प्रवेश करना चाहते हैं कोई वाहन घर में लाना चाहते हैं या कोई संपत्ति की डील करनी तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे कोई व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट या उनसे कोई व्यर्थ के वार्तालाप मत करें, कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो माता जी की तरफ से भी आपको कोई लॉस कोई नुकसान यहाँ पर हो सकता है। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेने के लिए तो अपने कन्फ्यूजन आप हटा दें और एकाग्र होकर आप अपना प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। संतान की तरफ से कोई चिंता टेंशन कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ओवरऑल संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे और नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, साथ में आपको धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहां से भी आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा और आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी।
दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हो तो यह स्थिति ओवरऑल आपके पक्ष में रहेगी, आपको ठीक रहेगी, फेवर में रहेगी। पति पत्नी में कोई मतभेद डिफरेंसेस है या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित है, संतुष्टि के भाव में कमी आ रही थी, संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा, एक दूसरे के संबंधों में प्रगाढ़ता मजबूती आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर आएंगे, एक दूसरे का लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं, कोई कहीं सगाई हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, नए प्रेम संबंध चल रहे हैं विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, कोई व्यवधान कोई रुकावटें आ रही थी विदेशों की यात्राओं में, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, किसी धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं, पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, आपको साथ दे रहा है, थोड़ा पुरुषार्थ थोड़ा मेहनत थोड़ा परिश्रम करने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। करियर व्यवसाय को लेकर आप बिजनेस करते हैं नौकरी करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं उसमें कोई बदलाव लाना चाहें नौकरी में या अपने कार्य व्यवसाय बिजनेस में इंक्रीमेंट्स करना है, वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, तो आप जितना प्रयास जितना पुरुषार्थ करेंगे जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको स्थिरता प्रदान होगी, लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, 17 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस आपकी अहमियत बढ़ेगी, यश मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वहां से लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति इसके थोड़ी सी विपरीत हो सकती है, तब थोड़ा सावधानी बरतें। जो जातक विदेशों में है उनके लिए तो स्थिति अनुकूल है, पक्ष में तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, जो तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और यहाँ पर आप लाभ गेन करेंगे, यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है आपके पक्ष में है, थोड़ा सा तो मित्रों तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है जो विदेशों में उनको थोड़ा सॉरी थोड़ा सा संघर्ष थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, कोई नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका विदेशों से कोई संबंध है तो कोई संबंध छूट सकते हैं, नौकरी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं, कोई आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर पैसे का व्यर्थ नुकसान आपका हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने योग्य थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि वहाँ पर 17 तारीख के बाद सूर्य मंगल का एक अंगारक दोष भी बनने जा रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतें, यह अंगारक दोष संभवतः आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। देखिए मित्रों यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, एक बार आप अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, क्योंकि हम जो ये फलादेश करते हैं चंद्र राशि के ऊपर इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी अहमियत है, क्योंकि आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली तो हमारे पास होती नहीं और आपकी लगन कुंडली का विशेष महत्व है, क्योंकि वह आपका प्रारब्ध है पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म का आधारभूत है, इस जन्म का आईना है मिरर है, तो जब दोनों चीजें टैली होती हैं दोनों चीजों का एनालिसिस होता है तभी शत प्रतिशत परिणाम सामने आते हैं, सारी स्थिति स्पष्ट होती है। तो मित्रों अगर तुला राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके मजबूत पक्ष में चल रही है स्थिति आपके अनुकूल है तब संभवत है यह सितंबर का माह आपके लिए काफी तरक्कीदायक उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होगा, और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है आपके पक्ष में नहीं है तब संभवत है थोड़ी कठिनाइयां परेशानियां आ सकती हैं, ग्रहों के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों एक बार कुंडली का एनालिसिस तो आप कराएंगे, साथ साथ आप क्या करें आप प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और मंगलवार की शाम को हनुमान जी का प्रसाद सहित उनकी आरती करें, तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव है उनसे आप बचेंगे और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।